दिन से ज्यादा रौनक यहाँ पर है भाई रात को। भाई साहब मुर्गों का तो हाल कर दिया बुरा। भाइयों को लग रहा था कि मैं मतलब चीके मारूंगा इन्होंने। बहुत खुश हुआ यार इंडिया के नाम से बहुत ज्यादा। भाई जलेबियाँ बिक रही हैं, ये $1 में दे देते हैं सारे, मतलब जगह जगह मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे रिवाज है खाने के बाद। ये भाई ये पता नहीं क्या चाह रही है, बंदे हीरो जैसे हैं। यू नो इंडियन सॉन्ग्स, प्यार होता है दीवाना सनम। यहाँ भी मुझे लग रहा है शाहरुख के फैन बहुत मिलेंगे। तो भाई आगे चलने लगे अब हम कहीं और। यहाँ से नादिर भाई, थैंक यू, वेलकम, यू लाइक, या इट्स ब्यूटीफुल। भाई ड्राइविंग साइड की बात करें तो ड्राइविंग साइड इंडिया से अपोजिट दिशा में है जो कि यूरोपियन दिशा में है, समझ लीजिए आप। आज भीड़ भाड़ पूरी है भाई, हॉलीडे है आज, मतलब बच्चों के यहाँ पर भी स्कूल बंद हैं। जो दिसंबर जनवरी की छुट्टियाँ होती हैं तो जनवरी में यहाँ भी स्कूल वगैरह बच्चों के बंद हैं। तो फ्रीडम मॉन्यूमेंट से चल के हम पहुँचे एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट पे, खाते हैं भाई खाना। तो भाई ये है ट्रेडिशनल स्टाइल, सऊदी में भी देखा था, मोस्टली अरब कंट्रीज़ में होता है ये स्टाइल, लेकिन ये बहुत बढ़िया लगता है। ये जो कल्चर है ये बेडविन टेंट्स वाला, ये अच्छा लगता है। तो भाई ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं और ये स्पाइसी कह रहे हैं इस फूड को। व्हाट इज़ द नेम, व्हाट डू यू कॉल दिस? ज़वेते। ज़वेते, इट्स वेरी स्पाइसी। इट्स वेरी स्पाइसी देन इंडियन फूड कैन नॉट बी। आई नो, ये भाई कुछ करी सूप ऑफ कुछ। तो भाई कुछ जो है वो नेशनल फूड है यहाँ का। यू कैन वेट टू to bring other things and you you will see. और ये इसको डाल देते हैं इसमें। तो भाई ये कुसकुस है जो यहाँ का नेशनल फूड है, एक तरह का दलिया है, मतलब और खा के देखते हैं। और ये सूप आता है इसके साथ, मतलब इसको इसमें डालो तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। ये चिकन वाला चाहिए तो चिकन वाला मिल जाता है, और अगर आपको मटन चाहिए तो वो भी मिल जाता है। बाकी मीट के ऑप्शन होते होंगे जो भी हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए ये फूड है यहाँ पर। इसको चावल सा समझ लो, कुछ भी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। मतलब मुंह जलने की बात छोड़ दो, खत्म। भाई ये कुछ ट्राई करते हैं जो कि नेशनल फूड है। भाई ये बना हुआ ब्रेड वगैरह का है, वेजिटेरियन ऑप्शन है ये। बड़ा स्वाद है यार ये ब्रेड से, जो भी इन्होंने अदरक लहसुन जो भी मसाला पेस्ट डाला हुआ है, बहुत स्वाद है, टेस्टी। भाई साहब मुर्गों का तो हाल कर दिया बुरा, मुर्गों की बिछा दी लाशें और ये कुछ खा लिया है। बहुत स्वाद था ये, मतलब अपना दलिया जैसा है। खाना बढ़िया था, गुड गुड फूड। भाइयों को लग रहा था कि मैं मतलब चीके मारूंगा, इन्होंने जानबूझ के और स्पाइसी बनवाया था, लेकिन मतलब सच में मीठा सा था। स्पाइस के नाम पर बहुत हल्की सी लाल मिर्च सी लगी, नॉट स्पाइसी। खाना खा के हम फिर आ गए हैं कॉफ़ी पीने। यहाँ पे कल्चर है भाई कॉफ़ी का, खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी का मतलब यहाँ पे होता है एस्प्रेसो, लाटे लूटे कुछ नहीं मिलता, एस्प्रेसो पीते हैं सीधी। यहाँ पे बजे हैं अभी शाम के 5:15 और मैं जाने लगा हूँ जिम। हम रुके हैं इस एरिया में, अस्सलाम वालेकुम। भाई देखने में थोड़ा थोड़ा गाँव सा लगेगा, लेकिन ऐसी जगह पे भी रहने का अपना मज़ा है, थोड़ी शांति शहर से अलग। और ये गाड़ी है, अभी जा रहे हैं हम जिम। मैंने सोचा भाई इस बारी थोड़ी सी फिटनेस को बचा के रखना है, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो जाता भाई इंडिया में जाके ना, और लंबा ट्रैवल करो फिर अपनी फिटनेस ख़राब कर दो खा पी के, और फिर 3 गुना मेहनत करके भी वो फिटनेस वापस नहीं आती। तो कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जिम मिल जाए। ही इज मेहंदी ब्रदर, How are you, brother? I'm fine, and you? Good. You're welcome to Algeria. Thank you. भाई हर बंदा आपको वेलकम करेगा अल्जीरिया के नाम का। Tell your name. My name is Abdurrazak. Abdurrazak. सही, Abdurrazak भाई है भाई, मेहंदी के भाई हैं, बहुत बढ़िया है यार, प्यारे इंसान है। तो भाई हम उतरे हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा यार सीरिया की झलक है। जब वॉर नहीं हुई होगी तो सीरिया कुछ ऐसा रहा होगा। भाई मुझको लगा ये भाई गलत समझ गया, जिम की जगह मुझे गैराज में ले आया,
लेकिन वो जिम है उस तरफ यार, बहुत बढ़िया सी दुकान है, जिम के बाद देखेंगे। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट लग रहा है सामने, फूड का ना। और भाई ये जिम है, सारी जगह दुनिया में एक जैसे ही माल वगैरह चलता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश हो गया जान के कि भाई इंडिया से आया कोई घूमने, बहुत खुश हुआ यार ये भाई। चलो भाई जिम देखते हैं। ये भाई ने बताया, कहता भाई इंडिया से आया यार करने ने, तो बोलता है यार मुझे लगा कोई अरबी है, बहुत खुश हुआ यार इंडिया के नाम से बहुत ज़्यादा। तो ये अल्जीरियन जिम भाई, मशीनें वगैरह सारी हैं, सारी मशीनें हैं भाई, एक्स्ट्रा ही हैं कुछ मशीनें। भाई एक चीज़ देखी, ना कोई म्यूज़िक है ना कोई एयर कंडीशन लगा हुआ है जिम में, फिर भी लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज भाई, बहुत बढ़िया जिम था, और जो भी प्रैक्टिस की उसके इन्होंने लिए सिर्फ 120 भारतीय रुपए, और पानी भाई ने गिफ्ट दे दिया था, थैंक यू अल्जीरिया। तो भाई जिम वगैरह हो गया है, और अब हम आए हैं खाना खाने, घर चले गए थे वहाँ से नहा के फिर दोबारा आए हैं अब कुछ खाने। ये बहुत डिलीशियस लग रहा था, मैं भाई भाई को यहाँ ले आया, मैंने कहा मेरे को तो वो खाना बाहर चलो, बारबेक्यू चिकन बारबेक्यू। भाई ये है रेस्टोरेंट अंदर से, ये हमारे नादिर भाई, और भाई ये भी कुछ बारबेक्यू के लिए सामान है, कुछ कुछ हमने ऑर्डर किया है, जो कि चिकन और है मटन, और सैलेड का भी यहाँ पर भाई रिवाज है। भाई ये ब्रेड का बहुत कल्चर है, ये क्रेजी है ब्रेड के लिए। फ्री वो लाइन लगी हुई थी ब्रेड के लिए बहुत जगह पे, ये साथ में भी एक बेकरी है, शाम को मैंने देखा था यहाँ पर लाइन लगी हुई थी ब्रेड के लिए। ऑयल और कुछ बीच में मिक्स है सैलेड पे डालने के लिए, के बिना भाई सैलेड नहीं खाते। और भाई यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज भी आए हैं, और भाई ने बताया कि भाई ये जो मील का है ना, जैसे कुछ वगैरह है, अगर आप लेते हैं मील तो आप पेट भर के खा सकते हैं, मतलब अगर और भी चाहिए तो और भी देंगे ये मील के लिए। भाई ये आए हमारे कबाब, ये बहुत ही स्पेशल एक कबाब है, जो भी बना हुआ तो चिकन एंड मरगस, ओके इसका नाम है मरगस, मरगस ट्राई करते हैं भाई। और ये अभी भाई ये राइस सब तो बहुत स्वाद है ये भी, और चिप्स हैं, सैलड वगैरह हैं, और भी कुछ आइटम्स हैं, ब्रेड हैं, मतलब वेजिटेरियन लोगों का भी यहाँ पर काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। भाई अगर खाने की बात करें तो ये नाइफ और फोक का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और मतलब इंडियन स्टाइल है ये बिल्कुल ही, हाथ से जहाँ खाना है वहाँ हाथ से खा लेते हैं, नाइफ फोक का यूज़ करना है वो कर लेते हैं। और ये देखो कौन आया, हेलो माई डियर, और एक भाई ये सोडा है, कोका कोला से ज़्यादा कहते हैं इसको, पीते हैं यहाँ पर लोग। और ये है 1878 से, और ये यहाँ की एक लोकल ड्रिंक है। भाई खाना पीना खा लिया है, और लगभग 2000 भारतीय रुपए का बिल आया था सारे सामान का, और दिन से ज़्यादा रौनक यहाँ पर है भाई। रात को ये बाज़ार जो है, मार्केट जो है, 11 से 12 बजे तक रात को खुलती हैं, और जगह जगह ये बारबेक्यू शॉप्स हैं। भाई जलेबियाँ बिक रही हैं, व्हाट डू यू कॉल, तरह तरह की जलेबी है, मोटी जलेबी भी है, जलेबिया इज ऑल्सो ट्रेडिशनल, जलेबी ट्रेडिशनल स्वीट है भाई इनका, फैंटास्टिक बकलावा, it's Algerian baklava, okay. Because they have in Turkey, but it's not same. Mm. Plus, this is famous in Ramadan. Okay. Always we eat it in at night like this. Okay. With tea. Ramadan. Yes, in Ramadan, and this is makrood. Okay. This in Eid, generally in Eid. This is all sweets. All sweet, yeah. भाई देख लो जलेबियाँ बिक रही हैं, मिठाई पूरी दुनिया में खाई जाती है, गोरे गोरे नहीं खाते हैं यहाँ पर, अरब कल्चर बहुत है मिठाई खाने का। अरब कल्चर में सीरिया वगैरह में गए थे, वहाँ भी बहुत मिठाई थी, यहाँ भी मिठाई का देखो
कितनी स्पेशल दुकान है यार। भाई पैसे नहीं ले रहा, कह रहा है गिफ्ट है, जलेबी खा लो, कह रहा कुछ भी खा ले, तेरे लिए गिफ्ट है। थैंक यू, शुक्रान, अल्जीरियन पीपल गुड। आज का जिम यही निकाल देंगे। शुक्रान। मिठाई हमेशा ही अच्छी होती है। और जो लोग पूछते हैं ना, भाई साहब आप कैसे अपनी डाइट का ख्याल रखते हो, कुछ नहीं रख पाता मैं, तो हूँ आके वही करते हैं मेहनत जो कर पाते हैं। अभी जिम से आया था, मिठाई और सब खाना वगैरह बहुत बहुत स्वाद है। ओके ब्रदर, शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू। या कम 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 इंडिया, थैंक यू, कम टू इंडिया। ये $1 में दे देते हैं सारे, मतलब 20 से 22 मिलते हैं $1 में, मतलब 80-82 रुपए में। ये रोटी रखी हुई है इन्होंने रोड पे, ब्रेड के भाई दीवाने, देखो ब्रेड की मार्केट लगी हुई है पूरी है। भाई ये अरगाया एरिया है अल्जियर्स का, और यार साफ़ सुथरा बहुत है। और जो ये मोन्यूमेंट देख रहे हो आप, फ्रीडम फाइटर्स की याद में बनाया गया है, सब जगह यहाँ पर भी फ्रीडम फाइटर्स की बहुत इज्जत की जा रही है। जगह जगह मोन्यूमेंट बने हुए हैं और वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए बने हुए हैं। यार साफ़ सफाई अच्छी है यहाँ पर, गंदगी नहीं है, और कूड़ा वगैरह जो है वो बिल्कुल तमीज़ से रखा हुआ है, पॉलीथीन में बांध बांध के। फिर भाई आ गए हैं हम चाय पीने, यहाँ पे रिवाज है खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पी जाती है, और ये एक मिनटी है। इंडिया, थैंक यू, शुक्रान। और भाई मीठा वगैरह रात को, और ये माहौल है थोड़ा सा रात का, बार क्लब वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो वाइन विस्की बियर वगैरह मिलती है, शराब के ठेके हैं यहाँ पर, बट लोग नहीं पीते। चाय वगैरह का ये कल्चर है यहाँ ज़्यादा, कॉफ़ी चाय ये पीते रहते हैं। इसमें डाला शहद और ये मिंट पुदीना। ये जो टी है ना, ये पड़ी है 100 दिनार की, तीन मतलब 40 रुपए की, तीन भारतीय रुपए में बात करूँ तो। भाई ने खोली अपनी जलेबी, यू लाइक इन इंडिया व्हेन यू विल कम आई विल टेक यू टू जलेबी शॉप द फेमस वन।